बिजनौर के थाना कालागढ़ के नई कॉलोनी मार्केट में घुसकर जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथी सड़क पर खड़े लोगों के पीछे दौड़ा, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। हाथी को देखकर इलाके में हड़कंप पहुंच गया है। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को खदेड़ा है। जानकारी के मुताबिक हाथी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कालागढ़ के जंगलों से भटक कर यहां आया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये हाथी आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आ पहुंचा है। तो हमारे सहयोगी रोहित त्रिपाठी जुड़े हैं हमारे साथ विस्तृत जानकारी के साथ। तो रोहित, ये हाथी कैसे बाहर आ गया? ये रिजर्व पार्क की लापरवाही मानी जाए? ये अभिषेक, मैं आपको बता दूं, जो है ये पूरा मामला जो है कालागढ़ थाने क्षेत्र का है, और ये जो हाथी है ये जो है जंगली हाथी है, और ये कॉर्बेट रिजर्व पार्क से जंगल से अचानक से निकलकर कालागढ़ जो मोहल्ला है वहां पर सड़क पर आ गया, जिससे कि लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं इस हाथी ने जो है सड़क पर खड़े लोगों को भी दौड़ाया। बाद में जो है वन विभाग की टीम ने पहुंचकर जो है इस हाथी को किसी तरीके से काबू करके फिर से दोबारा जंगल में वापस भेजा है। अभिषेक जी, रोहित, अगर बात किया जाए, आपने कहा कि हाथी ने लोगों को भी दौड़ाया था, तो क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर है अभी तक? अभी से मैं बता दूं, जो है किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि जो है जो ये कालागढ़ है ये कॉर्बेट रिजर्व पार्क के उसमें आता है, और कहीं ना कहीं जो है जो पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा, उसके द्वारा ये जंगली हाथी या अन्य जानवर जो है अब जो है जंगलों से निकल के रिहायशी इलाकों में आने लगे। इसी के मद्देनजर जो है ये हाथी अचानक से जो है जंगल से कॉर्बेट रिजर्व पार्क से निकल कर जो है कालागढ़ क्षेत्र के सड़क पर आ गया था, लेकिन इसमें कोई भी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। साथ ही जो है वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच इस हाथी को दोबारा जो है जंगल में भेज दिया है। अभिषेक जी, रोहित, अगर बात करें हाथी के बाहर आ जाने को लेकर, तो जिस तरीके से टाइगर रिजर्व पार्क से हाथी बाहर निकला है, तो वहां के किसी अधिकारी का कुछ कहना है इस पर कि कैसे जानवरों का रखरखाव हो रहा है, कैसे उन पर निगरानी रखी जाती है कि ऐसे दिन दहाड़े हाथी बाहर निकल आते हैं और आकर आमजन को परेशान करते हैं? अभिषेक मैं बता दूं, जो है लगातार जो है जैसे गुलदार और ये हाथी की जो मामला है इसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई। उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जो है पेड़ की कमी होने के कारण अब जो है जंगल क्षेत्र से जो है ये हाथी हैं या गुलदार हैं ये इन क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। इसको लेकर जो है लगातार वन विभाग की तरफ से कवायद भी चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लगातार जंगली जानवरों का जो है रिहायशी इलाकों में घुसना कहीं ना कहीं जो है वन विभाग पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना कि इसको दुरुस्त करने के लिए लगातार जो है वन विभाग के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि जंगलों में पेड़ या अन्य चीजों को वहां पे बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो है रिहायशी इलाकों में ये जानवर आ रहे हैं। जी रोहित, तो रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।